हेलो एवरीवन, स्वागत है मेटामॉर्फोसिस में। और एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है और आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग इट एंड यू आर ट्राइंग टू जस्ट गेट गुड नॉलेज एंड डीप नॉलेज ऑफ एडजेक्टिव्स। और इसीलिए मैं इतने पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज ना बचे जो आपके किसी भी एग्जाम आने तक छूट जाए। सो हैव पेशेंस एंड कीप ऑन फॉलोइंग एंड आई गारंटी यू दैट यू विल गेट ऑल द सेंटेंसेस फ्रॉम वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार एंड वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फोर्थ कमिंग वीडियोज। एंड अगेन आई वेलकम यू इन टूडेज वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हम बात कर रहे थे पिछली बार यूसेजेस की, एडजेक्टिव के यूसेजेस, और स्पेशल यूसेजेस की बात हो रही है। इसमें से आपको पक्का एक सेंटेंस टकराने वाला है, एक या दो, और आप तैयार रहिएगा। और ये सेंटेंसेस आपको जब मिलेंगे तो आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि यस वी हैव डन इट। तो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो पहला स्पेशल यूज है वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपेरेटिव डिग्री म्यूचुअल एंड कॉमन। म्यूचुअल और कॉमन, म्यूचुअल वर्सेस कॉमन, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब जब भी हमें देखना हो, ये कहने को दोनों एक से लगते हैं लेकिन उनमें काफी जमीन आसमान का फर्क है। बात करते हैं म्यूचुअल की। तो म्यूचुअल हम तब यूज करने वाले हैं जब वी आर कंसर्न विद ओनली टू पर्सन, जब हम दो ही लोगों की बात करें, और दो लोग जब रेसिप्रोकेट करते हों किसी चीज को, यानी कि वन इज कंसर्न फॉर दिस एंड दिस वन इज कंसर्न फॉर दिस एंड बोथ आर रेसिप्रोकेटिंग थिंग्स, यहां इसके लिए कंसर्न है, वहां इसके लिए कंसर्न, तो हम म्यूचुअल आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं कि अगर कोई कहता है कि कोई मैरिज है तो कहते हैं देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स में दो लोग हैं और ये इससे कंसर्न है, वो इससे कंसर्न है। और जब पार्टनर्स में लड़ाई हो जाती है तो वहां पर भी हम म्यूचुअली यूज करते हैं कि दिस डाइवोर्स शुड बी म्यूचुअल। ओके, तो म्यूचुअल डाइवोर्स भी क्या होता है कि दिस पर्सन इज रेसिप्रोकेटिंग समथिंग टू दिस एंड दिस वन इज रेसिप्रोकेटिंग। तो म्यूचुअल इज यूज ओनली वेन टू पर्सन आर कंसर्न विद ईच अदर एंड दे आर रेसिप्रोकेटिंग थिंग्स और आइडियाज टू ईच अदर। ऑल राइट, एंड वेन वी टॉक अबाउट कॉमन, कॉमन म्यूचुअल से अलग कैसे? कॉमन में हमेशा दो से ज्यादा लोग ही होंगे तभी कॉमन हो सकता है। कैसे? एटलीस्ट तीन लोग तो होने ही चाहिए। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज दिस, वन पर्सन इज दैट, और यहां पर एक बीच में एक और व्यक्ति है। सो दिस पर्सन इज कॉमन, अगर ये इसका दोस्त भी है और इसका भी दोस्त है, सो दिस पर्सन इज कॉमन टू बोथ। वैसे ही अगर आई एम कॉमन टू यू ऑल हु आर माई सब्सक्राइबर, बिकॉज यू ऑल आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी एंड यू ऑल आर फॉलोइंग मी एंड आई एम देयर द की पर्सन एंड यू ऑल आर देयर, सो आई एम कॉमन टू यू 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 एंड एवरी वन। सो इन केस ऑफ कॉमन वी आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली टू पर्सन, हम दो लोगों के लिए वहां सीमित नहीं होते। तो कॉमन में हमेशा जो है दो से ज्यादा ही लोग होते हैं तभी कॉमन की पोजिशन आती है। अगर नहीं होगी तो, या दो में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो दोनों में पाया जाएगा, अब वो एलिमेंट जो भी होगा वो अपने आप एक एलिमेंट बन जाएगा। मान लिया इसके पास भी एक काली स्वेटर है, इसके पास भी, तो दोनों के पास है, ठीक है, तो वो एक कॉमन निकाल लिया हमने कि ब्लैक स्वेटर। ऑल राइट, तो कम से कम दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए तभी वो कॉमन है, ठीक है। म्यूचुअल में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल में वन इज कंसर्न टू वन एंड वन इज कंसर्न टू अदर। तो दोनों कॉमन में दोनों के पास वो चीज होनी चाहिए कम से कम, और म्यूचुअल में इधर ये एक एक व्यक्ति दूसरे के लिए कंसर्न होता है या एक एक चीज दूसरे के लिए कंसर्न होती है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि आई एम कॉमन फ्रेंड ऑफ मोहित एंड हरीश, तो इसका मतलब मैं मोहित का भी दोस्त हूं और हरीश का भी। लेकिन म्यूचुअल के केस में बिल्कुल डिफरेंट होगा, और वो ये होगा कि दिस डील विल बी डन थ्रू अवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी तुम्हारी और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील तय होगी, दो पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, माई अंडरस्टैंडिंग विद यू एंड यूर अंडरस्टैंडिंग विद मी। तो इसलिए कॉमन एक डिफरेंट चीज है म्यूचुअल। तो जब भी आप म्यूचुअल और कॉमन देखें तो ये जरूर देखें कि
कि हम किस तरीके के सेंटेंस है और उसमें क्या सेंस हो सकता है, वो म्यूचुअल वाला रेसिप्रोकल वाला सेंस आ रहा है या कॉमन वाला आ रहा है जिसमें दोनों में वो चीज पाई जा रही है या दो से अधिक लोगों में वो चीज पाई जा रही है या वो रिलेटेड है कम से कम दो लोगों से एक साथ। ऑलराइट, अगर वो एक ही से रिलेटेड है तो नहीं, कम से कम दो लोगों से वो क्वालिटी या वो चीज रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये था म्यूचुअल एंड कॉमन। अब ले चलते हैं हम एक और शानदार डिफरेंस में, यूसेज में। वैसे मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना चुका हूं लेकिन यहां पर मैं फिर से लेके आ रहा हूं, और वो यूज है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। पहली बात आपको ये जान लेना होगा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकें। अब इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन है और लोग इनको कुछ अलग तरीके से समझते हैं। जैसे लोग इनको कैसे समझते हैं बताता हूं। जब भी हमने किसी से बात की तो वो इसको इस तरीके से समझता था कि फ्यू का मतलब वो सोचता था थोड़ा सा, और अफ्यू का मतलब वो सोचता था थोड़ा और कम, और द फ्यू का मतलब वो कहता था सबसे कम। लेकिन इसका जो रियल आंसर है और जो रियल बेस है वो इंटायरली, और यू कैन से दैट वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट नोशन है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। वो नोशन क्या है देखते हैं, क्योंकि काउंटेबल के साथ है तो ये पहली शर्त आपको पता होनी चाहिए कि गिनी जा सकने वाली चीजों के साथ ही आप फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लगाएंगे। तो अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू का मतलब हमेशा होता है निगेटिव। इट ऑलवेज टेक्स और इंक्लूड अ नॉट इन दिस, इसके अंदर एक नॉट होता है। तो जब आप उसे समझेंगे तो उसमें ना के बराबर या बिल्कुल नहीं, फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं या ना के बराबर, लेकिन नॉट जरूर है। अगर आप कहते हैं कि देर आर फ्यू बॉयज, तो हिंदी में आप ऐसा ना समझें कि हाँ कम या थोड़े बच्चे लड़के थे, नो, आप समझेंगे वहां ना के बराबर लड़के थे, ना आना जरूरी है, या फिर आप कहेंगे वहां कोई भी बच्चा नहीं था। तो ये होता है फ्यू। और जैसे ही आप अफ्यू कहते हैं तो वो होता है थोड़ा सा। अगर आप कहना चाहते हैं वहां थोड़े बच्चे थे, जो गिनती के बच्चे हैं, तो आप कहेंगे देयर वर अ फ्यू बॉयज, ठीक है, क्योंकि गिने जा सकते हैं थोड़े से बच्चे। तो ये है फ्यू और अ फ्यू में अंतर। लेकिन जैसे ही द फ्यू की बात करें वो तो इंटायरली अलग चीज है। उसमें यह है कि जो भी थोड़ी बहुत चीजें आपके पास हैं उन सबको आप अगर इकट्ठा प्रोनाउंस करना चाहें होल, एज ए होल, पूरी यूनिट के हिसाब से, तो होता है द फ्यू। जैसे आपके पास थोड़े बहुत सिक्के थे जेब में और आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी थोड़े बहुत सिक्के मेरे पास थे वो मैंने पूरे भिखारी को दे दिए, तो आप यहां पर सिर्फ एक ही चीज यूज हो सकती है, वो होती है द फ्यू। द फ्यू कॉइन्स आई हैड इन माई पॉकेट आई गेव इट टू द बैगर। द फ्यू पेंस आई हैड आई डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग माई फ्रेंड्स। तो द फ्यू का मतलब यहां है जितनी भी थोड़ी बहुत है वो सारी संख्या। तो फिर से समझते हैं, फ्यू ना के बराबर या बिल्कुल नहीं, अ फ्यू थोड़ी बहुत, और द फ्यू जितनी भी थोड़ी बहुत है वो इकट्ठी। ऑलराइट, तो दिस इज द डिफरेंस। तो आपको इसको समझना होगा और इसमें कोई भी गलती आप मत कीजिएगा। इसी के ठीक पैरेलल एक्सप्लेनेशन है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, वो भी एक एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री है, लेकिन वहां पर लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में सेम मीनिंग है और वो भी कम के लिए यूज होता है, लेकिन वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो यही मीनिंग आप वहां समझिए, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जो गिने नहीं जा सकते, जैसे पानी, ठीक है, चाय, दूध, आप इनको गिन नहीं सकते। वो बात अलग है कि भारतवर्ष में चाय भी गिन ली जाती है और ढाबों में लोग आवाज दे के कहते हैं अरे भैया एक की दो चाय करना, लेकिन चाय एक या दो नहीं होती। ऑलराइट, तो दो की तीन चाय ऐसा होता नहीं, हमारे आसपास की चीजों से हम इससे प्रभावित ना हो। चाय जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अब हम उसी रूल को अगर यहां फॉलो करें और मैं कहूं उस जग में कुछ भी दूध नहीं था, तो मैं कहूंगा कि देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द जग, इसका मतलब कुछ भी नहीं था। और अगर मैं कहूंगा उस जग में थोड़ा दूध था, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जग, और मैं कहूं जितना भी थोड़ा दूध था उसमें थोड़ा बहुत वो सब पी गया, सो द लिटिल मिल्क दैट वॉज इन द जग वॉज ड्रंक बाय मी, ठीक है, वो पूरा मैंने पी लिया। तो ये बेसिकली सेम है सेट ऑफ मीनिंग, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लिटिल वाला अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू वाला काउंटेबल के साथ। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा।
और मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ फिर से, और तब तक के लिए विदा लेता हूँ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगली बार मैं एरर्स की बात करूंगा, और कुछ अगर एक आध स्पेशल यूसेजेस बचे होंगे तो उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।